दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। यह आपको बता दें कि कांग्रेस की झारखंड यूनिट के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीत सरकार कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से घबराकर पार्टी नेता राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें बीजेपी कभी भी सफल नहीं होगी। राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उद्योगपतियों को पब्लिक एरिया के इंटरप्राइजेज कौड़ियों के भाव में बेचे जा रहे हैं, ताकि चुनावी राजनीति में उनसे चंदा के रूप में मोटी रकम लेकर विपक्षी दलों को मत दी जा सके। अगली बड़ी खबर, हिमाचल से विपक्ष पर जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले झूठे वादे और झूठी गारंटी कांग्रेस की पुरानी तरकीब, जनता ने ठानी है बीजेपी की जीत। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली बार वोट डालने वाले पहले मतदाता श्याम शरण नेगी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल के चुनाव बेहद खास होने वाले हैं, यहां की युवा और महिलाएं जानते हैं कि भाजपा यानी विकास को प्राथमिकता, इसीलिए इस विधानसभा चुनाव में यहां की जनता बीजेपी की जोरदार वापसी की ठान चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। हिमाचल के लोग भाजपा सरकार की जोरदार वापसी की ठान चुके हैं। फौजियों की ये धरती, वीर माताओं की ये धरती जब संकल्प ले लेती है तो उसे सिद्ध करके ही दिखाती है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस दशकों तक तरसाओ लटकाओ भटकाओ की नीति पर चली है। झूठे वादे करना और झूठी गारंटी देना कांग्रेस की पुरानी तरकीब रही है। किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किस तरीके से झूठ बोलती आ रही है, इसका भी गवाह पूरा देश रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धि करके दिखाती है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया, उसे सिद्ध करके दिखाया। बीजेपी ने राम मंदिर का संकल्प लिया, आज अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। कांग्रेस की सच्चाई ये है कि 2012 में जिस घोषणा पत्र पर वो चुनाव जीते, वादे किए थे, एक भी काम उन्होंने नहीं किया। जबकि बीजेपी की पहचान है कि हम जो कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 40 साल से देश के फौजियों को वन रैंक वन पेंशन का वादा करती आ रही थी, लेकिन इतने वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद उसने कुछ भी नहीं किया। आजादी के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। तब से कांग्रेस की सरकार जब तक रही तब तक रक्षा सौदों में जमकर दलाली खाई। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश रक्षा साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर बने, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर होने का अभियान चला रहा है, अपने हथियार खुद बनाने पर जोर दे रहा है। कांग्रेस देश की रक्षा की ही नहीं बल्कि देश के विकास की भी हमेशा विरोधी रही है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि इस बार हिमाचल के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार बीजेपी की सरकार को फिर से लाना है। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, 43 नामों की घोषणा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोडवाड़िया का नाम अहम है। जारी सूची के अनुसार गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोडवाड़िया को पोरबंदर से, हिमांशु पटेल को गांधीनगर दक्षिण से और हितेश भाई वोरा को राजकोट दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सूची की घोषणा की गई। बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ऑनलाइन शामिल हुई, जबकि बाकी प्रतिभागी यहां AICC मुख्यालय में शारीरिक रूप से शामिल हुए। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में सरकार से बाहर करने की कोशिश कर रही है, जहां पर भगुआ पार्टी 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता में है। बता दें कि गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा। इसके अलावा बची हुई 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 70 से 80 उम्मीदवारों के नाम कर दिए फाइनल। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। इसके बाद कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की। गुजरात चुनाव को लेकर आज भी सीईसी की ये दूसरी बैठक थी जिसमें 70 से 80 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाए जाने की खबर है। इससे पहले कांग्रेस सीईसी की पहली बैठक में करीब 110 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर गुजरात की सत्तारूढ़ बीजेपी ने अभी तक चुनाव को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 100 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम भी शुक्रवार को घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। और ये बड़ी खबर, आजम खान और मुलायम सिंह यादव की खाली लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। ये आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात चुनाव की गिनती के साथ ही उपचुनाव में पड़े वोटों की भी गिनती होगी। जिन 5 राज्यों की विधानसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया है उनमें उड़ीसा की सीट, राजस्थान के सरदार शहर, बिहार की कुरहनी, छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट शामिल है। इसके अलावा जिस संसदीय सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट, जो कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। वहीं 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को तय की गई है। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को ही हिमाचल और गुजरात चुनाव के नतीजे भी इसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। और ये बड़ी खबर, यूपी और बिहार में सियासी हलचल हो गई काफी तेज। अचानक लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। ये हलचल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अचानक दिल्ली दौरे के कारण बढ़ी है। सपा प्रमुख अचानक दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के अचानक लालू प्रसाद यादव से मिलने को लेकर यूपी और बिहार में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। और ये बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी 10वीं लिस्ट। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए घमासान लगातार जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर अपने प्रत्याशियों की नई सूची जारी की। इसमें 14 उम्मीदवारों की सीटें तय कर दी गई हैं। बता दें कि गुजरात में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए घमासान लगातार जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर अपने प्रत्याशी की एक और नई सूची जारी की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यह अपनी 10वीं सूची जारी की है। और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। नांदेड़ और बुलढाणा में होगी रैली। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना चरण 7 नवंबर को संपन्न हो जाएगा। इसके बाद पदयात्रा का सोमवार से महाराष्ट्र में चरण शुरू होगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की जानकारी दी कि भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंचने के बाद नेता राहुल गांधी 10 और 18 नवंबर को राज्य में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 7 नवंबर को शाम 7 बजे पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर से मदरूर नाका पहुंचेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यात्रा के प्रदेश समन्वयक बाला साहेब थोराट ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। वो 10 नवंबर को नांदेड़ जिले में पहली रैली को संबोधित करेंगे, जबकि 18 नवंबर को बुलढाणा जिले के से गांव में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रवेश होने के बाद पदयात्रा 14 दिन की अवधि के दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। बाला साहेब थोराट ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया है। नांदेड़ जिले का दौरा करने वाले थोराट ने कहा कि राज्य में इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस के एक अन्य नेता ने कहा कि यात्रा में विभिन्न
क्षेत्रों की 100 से अधिक प्रमुख हस्तियां भी शामिल होंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के 9 नवंबर को पैदल मार्च में हिस्सा लेने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने महाविकास अघाड़ी की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यात्रा में राकापा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को शामिल करने की योजना बनाई है। और बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव में एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर कायम रहेगी बीजेपी। यह आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा अभी भी अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गुजरात भाजपा के बड़े नेता विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के साथ ही इस बात पर भी माथापच्ची कर रहे हैं कि पार्टी टिकट किसे देगी। इस बीच खबर आई है कि पर राज्य में अपने एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर कायम रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि गुजरात में भी पार्टी किसी विधायक या सांसद के परिवार के सदस्य या रिश्तेदार को टिकट नहीं देगी। गौरतलब है कि भरूच से भाजपा सांसद मनसुख बसावा की बेटी ने हाल ही में अपने लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने भाजपा के तय फैसले के तहत इस मांग को खारिज कर दिया। खुद मनसुख बसावा ने ट्वीट कर बताया कि वे पार्टी के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा भरूच से जिसे भी टिकट देगी वे उसकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए लगातार काम करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी नए चेहरों को 25% टिकट देगी, लेकिन टिकट के लिए उम्मीदवार के जीतने की क्षमता ही एकमात्र मापदंड है। आपको बता दें कि गुजरात में भाजपा अपने प्रत्याशियों का जल्द ही ऐलान करेगी। और बड़ी खबर, हिमाचल में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 1,00,000 रोजगार, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और अंग्रेजी स्कूल खोलने का कर दिया बड़ा वादा। यह आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है, बीजेपी की राज्य सरकार ने भी रोजगार नहीं दिया है। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल कमर तोड़ महंगाई से पीड़ित है। केंद्र अग्निपथ योजना के कारण प्रदेश के युवाओं के साथ आपराधिक मजाक हुआ है। बीजेपी सरकारों ने लोगों के जीवन को कठिन बना दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने हिमाचल में घोषणा पत्र जारी करते हुए बड़े वादे कर दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 1,00,000 रोजगार दिए जाएंगे, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे और अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सरकार बनाने में कामयाब होगी? इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।